और चलिए गाइस चलते हैं विधि विधान के साथ पूजा करने, ठीक है मम्मी? चले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो हर हर महादेव। ये आखिरी जो दिया मंदिर से बचा लिया है वो यहाँ पे घर की चौखट पे जलता है ना, सबसे बाहर वाली चौखट। राम जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू व्लॉग गाइस, और गाइस आज मैं बहुत जल्दी रेडी हो चुका हूँ, सबसे जल्दी रेडी हो चुका हूँ मम्मी जी से भी पहले, ठीक है। और बाकी आज से रहना है मेरे को पशुपतिनाथ जी का व्रत, ठीक है, जो 5 सोमवार तक रहना पड़ता है कंटिन्यूसली लगातार, ठीक है। और मम्मी यहाँ मेरे को पूरी विधि समझा रही कि क्या क्या मुझे करना है, तो डायरेक्ट मम्मी कैमरा करते हैं और मम्मी जी बताएगी कि क्या क्या महादेव जी पे अर्पण करके आना है, और सुबह सुबह और सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करनी पड़ती है ना, मुझे तो पता नहीं। मम्मी जी ने 2 बार किए हुए व्रत, 5-5 बार, ठीक है, तो इसीलिए चलो दिखाते हैं मम्मी क्या बता रही है। लो गाइस, मम्मी जी यहाँ पे और फूल लेके आ गई है, और मम्मी ये क्या, बेलपत्र? हाँ। और ये धतूरा, धतूरा। और ये मम्मी फूल ले रही, और ये गंगा जल, और इसके साथ में क्या, दूध, अच्छा अच्छा शहद वगैरह, पंचमेवा पूरा। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, बताओ। हाँ और ये सारा चढ़ा दिए, ये थोड़ा थोड़ा बचा कर लाइए, हाँ। ये क्या धूप बत्ती भी एक जलाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस क्या को वो एक बेलपत्र छोड़ दिए। अच्छा, एक बेलपत्र यहाँ मतलब घर के लिए वापस लेकर आना, बाकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो गाइस बेलपत्र कुछ इस तरीके होता है, ये देखो ऐसे ये चढ़ा। हाँ मैं सुन रहा, सारी चीजें आध्यात्मिक चढ़ाई है और आध्यात्मिक वापस ले आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी, ये तो पूरे चढ़ाना है, ये तो हम और जल भी जल जरा सा बचा लिए, ठीक है। चलिए गाइस चलते हैं लेके और करते हैं पूजा स्टार्ट। लव रख दो, मैं जा रहा हूं, तो जा वो तो चढ़ाऊंगी, हाँ हाँ मैं समझ गया। ले गाइस चलते हैं और करते हैं पूजा प्रारंभ। मम्मी नंगे पैर जाना, कैसे जाना? अरे हाँ मम्मी तो मुझे ऐसा बिल्कुल नूब सा समझ रही है, ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं और जय पशुपतिनाथ जी की, ठीक है, चलो बोलो हर हर महादेव, जय श्री पशुपतिनाथ जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ, जय हो श्री पशुपतिनाथ जी की, जय नंदी जी की। और चलिए गाइस अपनी पूजा आरंभ करते हैं। टाइम पूजा करके मैं तो वापस लौट चुका हूँ, और भाई बहुत अच्छा लगा, पता नहीं कैसे हुई, तो पर मैंने कर दी। लो अच्छा मेरे को रखनी है, कुछ कुछ बजा लाया, मैं एक दो चीज बोल रहा था, डन गाइस मेरी पूजा हुई, नहीं ब्रेकफास्ट में क्योंकि मैं फास्ट हूँ, तो ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगा यहाँ पे फ्राइड किए हुए मखाने और यहाँ पे केले और दूध, ठीक है, क्योंकि यही खाया जाता है, आपको पता ही है फास्ट में। और बाकी फिर शाम को 6 बजे आऊंगा और फिर पूजा होगी, फिर शाम को खाएंगे, ठीक है। और बाकी एक दो केले मैं ऑफिस में लेके चल जाऊंगा, और बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर खाते हैं और चलते हैं, और भगवान महादेव जी का और पशुपतिनाथ जी का नाम लेके चलते हैं आज पूरे दिन। और जय श्री राम तो अपने मन मन और रोम रोम में बसा हुआ है ना, आपको पता ही है, तो जल्दी से करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और चलिए गाइस चलते हैं, मम्मी राम राम, पापा राम राम, सभी को राम राम जी, और बस आप सभी को राम राम, और आने के बाद मिलते हैं, ठीक है। हाँ सब रख लिया मैंने, ठीक है गाइस, अब आने के बाद मिलते हैं, और आपको बताइए पूजा भी करनी है शाम को आगे, ठीक है, तो चलिए बाय बाय, जय श्री राम। 6.5 hours later. और गाइस सक्सेसफुली मैं शाम के 6 बजे लौट के आ चुका हूँ घर, और अब गाइस दोबारा से पूजा का टाइम होने वाला है, उससे पहले मैं थोड़ी पेट पूजा कर लूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत तो भूख लगी जाती है ना। तो मम्मी ने दूध और वही सुबह वाला सीन दिया मखाने बना के, तो जल्दी से खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद चलते हैं पूजा करने, तो पूरी विधि विधान के साथ करेंगे हम अच्छे से और एकदम सच्चे मन से, ठीक है। तो जल्दी से पहले अपना शाम का जो भी कुछ है, स्नैक्स वगैरह जो भी कुछ है वो कर रहा हूँ, ठीक है। और जी हाँ गाइस, अभी यहाँ पे हमारा पूजा की सामग्री तैयार हो रही है, मम्मी जी का आज लास्ट व्रत है ना मम्मी, सही बात है ना, उद्यापन है मम्मी जी का, तो मम्मी जी इसलिए नारियल लेके जा रही है, और मेरा ये है कितने 6 दिए जलाते हैं क्या,
मैं बताऊंगी। अच्छा तो मम्मी कह रही पूरे विधि विधान के साथ करना है, तो मम्मी जी को साथ ले जाएंगे, है ना? क्योंकि मम्मी जी को बताओ 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 जब वहाँ से दिया जलाओगा ना, हाँ एक दिया जलाओगा ना, हाँ हाँ तो दूसरी बत्ती दूसरा दिया दूसरी माचिस से जलाना, एक एक तिल्ली से ना, हाँ एक तिल्ली से दूसरा दिया जलाना, एक तिल्ली से एक दिया जलाना। जब पहला दिया जलाओगा ना, अच्छा जो तेरी मन की इच्छा, हाँ जिस कारण तेने रहा, हाँ भगवान से प्रार्थना करिए और पांच बार श्री शिवाय नमस्तु भीम बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ बता दी। हर दिए को जलाने के बाद एक दिया जलाइए बस, उसके बाद अलग अलग दिया अलग अलग बत्ती से जलाना और पांच जलाने, छठा नहीं जलाना। अच्छा छठा करा यहाँ लागा। ठीक है समझ गया। पहला सुन ला, हाँ मैं सुन ला, ये जो प्रसाद है ना, हाँ ये प्रसाद है, इसे एक चम्मच लेकर दे रही और ये तीन को खोल लोगे, वही जाकर तीन भाग में बांटना, इन डोलों में रखना तीन भाग में। किसे किसे? ईसा प्रसाद को। अच्छा मैं बताऊंगी नहीं, वहीं से जा सारा या फिर बचाना कुछ, तीन भाग में करना बस सारा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तीन भाग में करके ना पूजा कर दे, सारा सामान है ना यो ये सारा चढ़ा दे शिव जी का, फिर इसके बाद एक डोला और एक दिया उठाकर घर वापिस लाना। ठीक है ठीक है ठीक है, और अपनी मन की मनोकामना पूरी करने के लिए योजना ये जरा सही हो शिवलिंग पर चढ़ा दिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ब्रो। पहला गाइस मम्मी ने पूरी विधि समझा दी, अब जितनी विधि याद रहेगी उतनी विधि मैं कर दूंगा पूरी। मैं वही सिंह जा रही क्या? चलो फिर चलो डन, चलो भाई चलो ठीक है, मैं चले या माचिस, किसी की माचिस नहीं मांगनी अपने माचिस के अलावा। हाँ ठीक है, इस चलते हैं विधि विधान के साथ पूजा करने। ठीक है मम्मी चले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, हर हर महादेव। मैं दिवा करूंगी, हाँ हाँ वही से दिवा करिए, फिर वो प्रसाद और दिया। अच्छा रेडियो पर रखिए। अच्छा चप्पल पीछे काट दिए। हाँ मैं समझ गया, फिर पूजा करनी। ठीक है चलो 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 गाइस, जो बेलपत्र सुबह बचाया था वो चढ़ाया जा रहा है ना, और मम्मी जी का तो अपना इधर उद्यापन हो ही रहा है। बोलो हर हर महादेव, तो मैं आपको कम दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, जैसे मम्मी जी ने बोला था ना कि बराबर बराबर प्रसाद देना है तीनों, उसमें तीनों डिस्पोजल्स में, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? पूरी पशुपतिनाथ जी की पूरी विधि जो मैंने आपको सबको दिखाई है। ठीक है देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, मुझे कितना पसीना आ रहा है भाई साहब, बहुत पसीना आ रहा, बट मम्मी ने आज मेरे को पूरा प्रोसेस सिखा दिया भाई, है ना? ये व्रत कैसे किया जाता है भाई, कठिन व्रत है ऐसी बात नहीं। ये आखिरी जो दिया मंदिर से बचा के लाया वो यहाँ पे घर की चौखट पे जलता है ना, सबसे बाहर वाली चौखट जो सबसे मेन गेट हो ना आपका। चलो महादेव। और गाइस ये जो हलवे का प्रसाद है ना वो मैं खा रहा हूँ अब, जो मुझे किसी को नहीं देना होता। ठीक है ये मेरे को ही खाना है, तो मैं जल्दी से खा लेता हूँ और ठीक है पूरा फिनिश करते हैं। देख रहे हो आजकल की लड़कियाँ कैसी होती जा रही है भाई साहब, ये आर्टिफिशियल मंगा के सबको लगता है महंगे डायमंड के पहन के घूम रहे भाई, देख रहे हो ये सीन है सिस्टम इनका, बस इतना सस्ता दिखाई जरा। और तो गाइस किसी को भी चीजों में 50 रुपए में देने को तैयार हो, बताओ लेना क्या किसी को, है बता दे दूंगा किसी को। तो मैं और माँ जी ऊपर छत पे आके बैठ गए है ना माँ जी, और माँ जी अपना भजन गा रही क्योंकि बुढ़ापे में किसका सहारा हो भाई, भगवान का, है ना? भगवान ही का ही नाम याद है, बाकी तो हमें भी भगवान जी याद है और कोई नहीं है। और बाकी मेरा व्रत भी पूरा संपूर्ण हो गया, पहला व्रत था, 5 व्रत होंगे और ये सोमवार वाले दिन होते हैं अगर किसी को पशुपतिनाथ जी के व्रत नहीं पता हो। और मैंने काफ़ी हद तक आपको विधि सारी बताई थी कि जो भी कुछ प्रोसेस होता है, मेरे को नहीं पता था, मम्मी मेरे को जैसे जैसे बता रही थी मैंने वो कर दिया। बाकी अभी शाम के टाइम इसमें खाना खा लेते हैं, मतलब रात के टाइम तक मैं खाना खा लूँगा क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन या नेक्स्ट डे पे खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस रात को या शाम के टाइम आके आप पूजा करने के बाद खाना खा सकते हैं। ठीक है बाकी पूरा व्रत यही था, और बस मौसम सेट हो रहा भाई, बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब हरिद्वार में 41 तक टेम्परेचर पहुँच चुका है, और इतनी मतलब मॉइस्चर हो रहा है ना, एक उमस सी हो रही है,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी थोड़ा मौसम सही हुआ है, अब देखते हैं बारिश होती नहीं होती, क्योंकि बारिश नहीं होने की तो फिर नॉर्मल वही मौसम हो जाएगा। इस बार दो सावन लग रहे ना गए, इस बार दो सावन है भाई साहब, तो अलग ही मजा होगा भाई। हरिद्वार में भोले का रोला चलो भाई, बम बम भोले, ठीक है। बाकी देखो व्यू कितना गजब आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे आखिरी जो मेरा काम है वो है भोजन का, ठीक है। तो भोजन आज थोड़ा जल्दी हो रहा है, 7:30 बजे, और जल्दी से मैं करता हूँ भोजन। मम्मी जी ने बनाया है बिल्कुल एकदम डिलीशियस डिलीशियस, और मेरे को भी अब भूख लग रही है ना, जल्दी से करते हैं। और गाइस बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और बस मेरे इस ब्लॉग के आप सबको दिखाने का एक ही उद्देश्य था कि आप भाई इस व्रत की महिमा देखोगे, ठीक है। और आपने देख लिया पूरा कैसे मैंने पूरा व्रत किया। और बाकी अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बता देना। बाकी आजकल ब्लॉग कम दिखा रहा हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, आगे ज़्यादा भी दिखा दें कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। गुड नाइट, टाटा।